तो गैस अभी फिलहाल हम घाट के इस साइड है जहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा घाट है, ये पूरा घाट है और देखो ये सूरज इधर। और मैं अभी घाट के उस साइड जा रहा हूँ, मतलब आप यहाँ से बोट वोट करके भी जा सकते हो, और पर मेरे पास बाइक है और मैं बाइक के थ्रू आपको ऑफ रोडिंग करते करते मैं उस साइड दिखाऊँगा आपको कैसे जाना होता है। अगर आप लोग को भी अगर जाना होगा बिना नाव के बोट के तो वो रास्ता आप लोग के लिए सही है जैसे मैं जा रहा हूँ। तो चलो फिर पहले हम वहाँ पहुँचते फटक से। तो भैया ये रहो गली, ये ब्रिजवासी घाट की तरफ जाने का, और यहाँ से फिर अब तो बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और ये पूरा मार्केट है खाने पीने का, पीना है जो भी करना है, तब यहाँ पे सारे सामान है, सारे मतलब इंतजाम हो रखा है। तो कूलर वाली चाय हर चीज़ है यहाँ पे, जो भी चाहिए आपको। फ़िलहाल हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ हमें वो चीज़ दिखेगी जिसे हमें देखना है, समझ रहे हो ना, मतलब नदी के उस किनारे हैं। और मैं उधर ही कोई जुगाड़ करके सो जाऊँगा क्योंकि पूरी रात सोया नहीं, तो ठंडे ठंडे मौसम है और धूप है उसके साथ में सोने में मज़ा ही आएगा अलग। तो चल रहा भाई पहले उस साइड चल रहा यार, यहाँ ठंड लग रही है थोड़ी सी, बाहर आ गया ना मैं तो ठंड लग रही है ज़्यादा ही। सूरज इधर नहीं है, हमें बता रहे दूरज, अगर दूरज क्या होता है, सूरज होता है। तो ये जो है भाई ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं, बाइक वैक वालों से नहीं लेते, कार वालों से लेते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग कार से आए तो भाई यहाँ पैसे लिए थे बाइक वालों को, भाई हर जगह फ्री है, पैसा देना ही नहीं है। तो देखो ये जिस रास्ते से मैं, आप इस रास्ते से यहाँ से आके आप उधर जा सकते हो घाट की तरफ, और अगर आपको दूसरी साइड जाना है तो आप इस रास्ते, जिस रास्ते से आप घाट की तरफ जा रहे हो वापस आके और ये नैनीताल वाला हाईवे पे दोबारा मिक्स करना मिलना है आपको, और ये सीधे अभी गंगा नदी पार करते हमें ले जाएगा उस साइड। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिलहाल। तो ये देखो इस साइड और इधर, और अभी हम इस स्कूल को क्रॉस करके उस साइड जाएंगे। भाई ठंड लग रही है यार, मतलब सूरज आ गया पर अभी सही तरह से नहीं आया, ठंड महसूस हो रहा है, महसूस क्या लग रहा है, ज़्यादा ही लग रहा है पूरा। तो देखो ये रास्ता जो है ये सीधे नैनीताल की साइड चला जाता है, वहाँ अगर बोर्ड दिख रहा है आपको तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ नैनीताल मुरादाबाद नैनीताल लखनऊ। और अभी देखो इस इधर से कुछ जुगाड़ करके हमें उस वाले रोड से नीचे इस साइड जाना, वो जो उधर रोड दिख रहा है अभी यहाँ से जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा भाई किधर से जा सकते हैं। पीछे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और वो मुझे छोटा ही लग रहा है कि भाई पता नहीं बाइक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा यार ये। तो गाइस जुगाड़ मिल चुका है मुझे, ये वाले जो है हाँ यहाँ से जा सकता है उस साइड, जा सकते हैं उस साइड, अगर आपके पास बाइक वाइक है तो उससे जा सकते हो। और देखो गाइस गांव आ गया, पता नहीं गेहूं वो कुछ लगा हुआ है, और गाइस रोड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार,
रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। तो देखो अब ये दोबारा वापस गटगंगा के साइड दिल्ली उल्ली की साइड आ जा सकते हैं मोड़ के, और ये आगे हम इधर ये गांव का रास्ता भी कुछ खास लग नहीं रहा भाई, बहुत ही ख़राब खराब लग रहा है। ये तो पूरी ऑफ रोडिंग है भाई साहब, मैंने बोला था ना ऑफ रोडिंग में होते हुए जाएंगे, तो भाई ये ऑफ रोडिंग ही है, रास्ता पूरी ख़राब है, कच्ची कच्ची सड़कें। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा गाइस, पूरा गांव है तो गांव में ये उपले उपले तो मिलते हैं, देखो कितने सारे उपले, और ये कच्ची सड़कें अभी ख़त्म नहीं होगी, अभी पक्की सड़क तो मिलेगा नहीं, वापस जाओगे तो जाके मिलेगी, बाकी ये कच्ची सड़कें। और अभी क्या बारिश का कोई मौसम नहीं है तो भाई ये कच्ची सड़कें हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगी। देखो वो रहा, देखो सामने अगर आपको टावर दिख रहा हो और क्लॉक टावर जो वहाँ पे गटगंगा पे, तो वो उस साइड है, अभी हम इस साइड है। तो ये देखो ये पुल है, इस पुल से आप इधर उधर की साइड से इधर से इधर जाओगे नैनीताल, और इधर से इधर जाओगे दिल्ली, और हम अभी उसी पुल के नीचे से होते हुए जाएंगे। मज़ा आ रहा है ना गाइस, मुझे तो आ रहा है यार, ये ऑफ रोडिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखो अभी हम आगे पुल के नीचे, बिल्कुल नीचे, अगर सोचो अगर पानी यहाँ तक होता तो हम यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि हम देख रहे हो पूरा बालू ही है, और उधर देखो गेहूँ लगा हुआ है, अरे पूरे में गेहूँ लगा हुआ है, और देखो भाई लोग मिट्टी काट रहे हैं यहाँ पे, और ये आ गया पुल, हम पुल के नीचे, अब इधर ही होते हुए जाना है। यहाँ तो गाइस पूरा ये ऑफ रोडिंग है, देख रहे हो सड़कें कैसी है, अगर ये सड़कें गीली होती तो भाई बहुत ही, सड़कें तो है नहीं, ये नदी है, अगर ये यहाँ गीला होता तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, हम बाइक ला नहीं पाते। अभी तो सब कुछ देखो टायर वायर भी, कार के टायर के निशान निशान भी है यहाँ पे, ट्रक वर्क सब आता है, जो छोटा ट्रैक्टर होता है ट्रैक्टर। और गाइस बारिश के टाइम में क्या होता है, ये पूरा फुल हो जाता है, इधर इधर यहाँ तक पानी आ जाता है, अभी सर्दियाँ आ चुकी है तो जिसके वजह से यहाँ पानी नहीं है, नहीं तो गाइस ये पूरा भर जाता है, ये सब तोड़ तार के जिन जिन का है वो वापस ले जाते हैं, और इधर देखो पानी यहाँ तक कभी कम है तो भाई वहीं तक है, नहीं तो ये पूरा भर जाता है। बाकी देखो कहाँ तक आगे तक जा सकते हैं, और जगह जगह पर आपको देखो शिवलिंग मूर्तियाँ ये सब मिल जाएगी यहाँ पे, और ये जो बना हुआ है ये जो पंडित होता है साथ उनका होता है, और जो नाई वाई होते जो मुंडन करवाते ये उन सब लोगों का होता है पूरा। तो हमें जो है वहाँ आखिरी में जाना है, जो मेरा प्लान है भाई पूरे आखिरी तक जाएंगे, वहीं पे जाके रुकेंगे, और ये सब है देखो वहाँ से यहाँ तक हर जगह बहुत सारे ये जिसको जहाँ जिस साइड कराना है उस साइड करा सकते हो। और यार गाइस देखो यहाँ भाई ध्यान से निकालना पड़ेगा, अरे 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 लहर मारी सांप बना दे लहरा दे ऐसे हो रहा था यहाँ, भाई अभी ठीक है। तो गाइस इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, ये राजस्थान और उधर गुजरात में दिखता है ये इस टाइप का पूरा सफ़ेद, तो मुझे ये वैसा ही लग रहा है, ये छोटा वो है जो गुजरात वाला है ना, और इधर ये यहाँ पे बिल्कुल आखिरी में है, मैंने बोला था ना हम एंड में जाएंगे, तो ये हम एंड में आ गए पूरा। अरे लहर बाइक ना लहर मार रही, बाली के ऊपर चल नहीं पा रही, तो देख लो गाइस हम बिल्कुल एंड पर आ गए। हाँ इधर ही मुझे आना था वैसे, तो पता नहीं आपको शायद सूरज से सामने है तो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हम बिल्कुल एंड पर आ गए, इस साइड गटगंगा रह गया जो घाट वाट है, और इस साइड ये मैदान आ गए। तो गाइस देखो हम बिल्कुल पानी के किनारे अपनी बाइक लेके आ गए, ये गंगा नदी किनारे हम अपनी बाइक लेके आ गए, और वो देखो उस साइड गटगंगा है, और वहाँ आखिरी तक वो बना हुआ है जहाँ पे पंडित वंडित होते मुंडन कराते, और हम फिलहाल यहाँ तक आ गए। और पानी गाइस पानी साफ़ है, पानी देख रहो पानी साफ़, अभी जो उधर हरिद्वार साइड गंदा होता है ना उतना नहीं है, यहाँ साफ़ पानी है एकदम बिल्कुल। और ये देखो मैं बस इतना दूर हूँ भाई, पानी एक बार छू गया, अरे गए गाइस पानी तो गरम गरम है।
सुबह तो नहाने का मन नहीं करता क्योंकि सुबह ठंडी ज़्यादा थी। ठंड तो अभी भी है भाई, ठंडी हवा अभी भी चल रही है। ये अंदर घुस के देखते पानी कितना ठंडा है। किनारे पे है भाई, ठंडा तो होगा क्यों, हवा चल रही है ना, हवा की। अरे यार ये तो उम्मीद से ज़्यादा ठंडा मुझे लगा था, तो फिर तक मैं ये सही हो जाएगा ना, तो भाई पानी पूरा गर्म हो जाएगा, पर ये उम्मीद से ज़्यादा ठंडा है। तो पानी साफ है, देखो अंदर आँख दिख रही है। अभी जाके दो डुबकी मारते, नींद खुल जाएगी सारी। गाइस पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ ना पैर, भाई ऐसा लगा जम रहा है। और यहाँ पे गहराई का अंदाज़ा नहीं लग रहा कुछ, तो मैं इधर ही मार के थोड़ा डुबकी डुबकी मार लूँगा, ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, करना वरना आते नहीं मेरे को। तो चलो फिर, अब मेरी बारी। ठंड ज़्यादा है, और भाई कौन सुन हो गया। यार बस इतना ही था मेरा, उससे ज़्यादा मैं नहीं नहा पाऊंगा। तो कैसे अपना नहा रहा मैं, बहुत हो गया मेरा नहा। यार पैर में क्रैम प्रैम पता नहीं, कुछ नसवा चर खींच गई जो नहीं होना चाहिए था, अब वो पता नहीं कब तक जाएगा यार। चलो अच्छा था, देख लो ये छोटा सा बीच हमारा, ठंडे ठंडे पानी, हवा भी सही, हवा भी सही चल रहा है अभी फिलहाल। अगर ये हवा गर्मी में चल रहा है भाई मज़ा आ जाए। देखो हवा सही चल रहा है, मैं यहीं पे सो गया था इस पे खाट पे, और यहाँ पैसे बच गए होटल के, यहीं में 2-3-4 घंटे सोया रहा, और अभी भी उठा के मैंने नहा लिया। तो गाइस अब वापस जाने के लिए तैयार हो गए हम, और अगर आपको शायद अगर इसमें सुनाई दे रहा हो आवाज़, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। देखो झंडा उंडा दिख रहा है आपको, तो हवा तेज़ चल रही है और पानी ठंडा है, मतलब इतना धूप निकल गया उसके बाद भी पानी ठंडा है, बहुत ठंडा है। हो सकता है भाई 2-3 बजे के बाद और थोड़ा पानी गर्म हो जाए, पर अभी बहुत ठंडा है। जैसे पानी होता था भाई पैर जम रहे थे मेरे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो हमें, है ना। बस क्या 3 चीज़ करनी है, लाइक कमेंट अगर आपको अच्छा लगे जो भी आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अभी आगे जाके भाई बहुत सारे ऐसे ट्रिप आने वाले हैं जो मैंने प्लान कर रखा है, आपको मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है गाइस, तो मिलते फिर अगले वीडियो में किसी और जगह में किसी और वक्त में।